50,000 की इनामी अपराधी पूर्व मुखिया रविंद्र यादव को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 50,000 के इनामी अपराधी पूर्व मुखिया रविंद्र यादव को भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली कुटहा स्थित उसके घर से धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि अपराधी रविंद्र यादव के खिलाफ भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित 18 संगीन मामले दर्ज हैं। सीनियर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी वर्षों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। आज अहली सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि रविंद्र यादव अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद सीनियर एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम के द्वारा छापेमारी कर कुख्यात रविंद्र यादव को उसके घर से धर दबोचा। पुलिस कप्तान ने कहा कि रविंद्र के गिरफ्तारी से लोगों ने चैन की सांस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वो वर्तमान में चल रहा है और कल तक उसके चलने की संभावना है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कल जो निर्धारित समय सीमा जो उनके द्वारा तय किया गया है उसमें वो समय अनुसार अपना विसर्जन संपन्न करेंगे। सर, कितने फोर्स तैनात किए? भागलपुर पुलिस के सभी जो पुलिस पदाधिकारी और बल है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक कंपनी रैफ हम लोग को मिली है और तीन से चार कंपनी हमारे पास चार कंपनी बीएमपी मिली है, जिसको भी इस कार्य हेतु लगाया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए हैं और अभी तक जो विसर्जन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगे भी शांतिपूर्ण से होगा। सर, कुछ विशेष ध्यान रखा गया? कोरोना भी है सर, इसको देखते हुए सभी लोगों को जो गाइडलाइन था उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई थी और अभी तक जो विसर्जन जिनके द्वारा किया गया है उस गाइडलाइन का वो पालन करते हुए। समय भी निर्धारित है सर, कुछ कितना समय? बिल्कुल समय भी निर्धारित किया गया है और सभी से बात करके समय कम भी किया गया है। इस बार जैसे पूर्व की भांति पूर्व में जो विसर्जन में लोग निकलते थे तो प्रतिमा को रख देते थे एक सुबह में और फिर शाम से लेकर के शुरू करते थे, इस बार सभी लोगों के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि वो उसको रखेंगे नहीं और लगातार कंटिन्यूएशन में लेकर के विसर्जन। डीजे का परमिशन है सर? डीजे अखाड़ा नहीं, इसका परमिशन नहीं। विसर्जन घाट का सर क्या व्यवस्था है? विसर्जन घाट देखिए जो एनजीटी का जो गाइडलाइन है उसके आधार पे अलग अलग जगह उसको विसर्जन कराया जा रहा है। गंगा नदी में उसका विसर्जन नहीं कराया जा रहा है और इसको लेकर के वहाँ पे कृत्रिम तालाब मुसहरी घाट में बनाया गया है जिसको साफ सुथरा कराया गया है, गहराई भी उसमें सफिशियंट रखा गया है और साथ ही साथ वहाँ पे जो बैरिकेडिंग भी कराई गई है क्योंकि मुख्य रूप से वहीं पे विसर्जन होता है। सर, भागलपुर जिले के बाईपास ओपी क्षेत्र के खुटहा गांव में रविंद्र यादव नामक अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसपे हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल भूतपूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी शामिल था तथा उसमें फरार चल रहा था और उससे पूर्व से भी कई सारे मामलों में वो फरार चला रहा था। इसकी गिरफ्तारी एक गंभीर चुनौती थी भागलपुर पुलिस के लिए और इसको लेकर के एक सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि जो उक्त अपराधी है अपने घर पर आया हुआ है और उसको उसकी गिरफ्तारी हेतु फिर विशेष टीम को निर्देशित किया गया और विशेष टीम के सदस्यों के द्वारा आज उसको सुबह में वहाँ जा करके उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो कई थानों से जो इसकी आपराधिक इतिहास का सत्यापन हो पाया है उसमें करीब 18 कांड अभी तक पता चला है और मुख्यतः उसमें जो हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट तथा जो 307 धारा है उसके संबंध में जो कांड दर्ज हैं इस प्रकार से और साथ ही साथ यह एक कुख्यात अपराधी था जिस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी उपलब्धि है भागलपुर पुलिस के लिए और निसंदेह उस क्षेत्र खुटा के क्षेत्र में इससे काफ़ी शांति व्यवस्था है।
देखिए कई जगहों पे छिपा रहता था और जैसे उसके जो सूचना मिलती थी तो उस पर फिर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन ये किसी तरीके से बच रहा था। तो कभी मतलब अन्यत्र जगह पे, कभी इस जिला में, कभी दूसरे जिला में भी छुपने की बात प्रकाश में आई थी, परंतु अब वो पकड़ा गया। सर, और 500 को डिटेन किया गया इस मामले? आज जब पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची थी तो पुलिस टीम के साथ जो वहाँ के ग्रामीण हैं और इस अपराधी के जो समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला भी किया गया और उसको छुड़ाने का प्रयास किया गया था। इस मामले को लेकर के जो उसमें शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।